यार वीकेंड की भीड़ देख रहे हो ना, सीरियसली बहुत बड़ा टास्क है इतनी भीड़ में दर्शन करने का, लेकिन सभी को जल्दी है बांके बिहारी जी से मिलने की। और हाँ जी, कैसे हो? सो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं तो थका हुआ हूँ फिलहाल थोड़ा। एंड स्वागत है आपका मेरे वृंदावन के दूसरे व्लॉग में। सो अभी ना ज़्यादा बातें नहीं करता आप लोगों से, जल्दी से जाके आओ। सो प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट्स लिए ना, वो देख के आओ जल्दी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देखना, हमारे राधे के बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लिए उनके मंदिर के, प्रेम मंदिर की लाइटिंग के, इस्कॉन टेम्पल में लोग कैसे झूम रहे थे राधे के प्यार में, ये सब देख के आओ। उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ मैं। Thank you.
भाई दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर के, बैठे डिनर करने के लिए। माइक मैं रूम पे छोड़ के आया था, कैमरे का ट्राइपॉड भी रूम पे छोड़ दिया। बाकी खाना आता है तब दिखाते हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, देन मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है। फाइनली खाना आ गया यार। सो हमें यहाँ का ना टेस्ट अच्छा लगा था, शाम को हमने यहाँ पे समोसे वगैरह खाए थे, तो इस वजह से हम वापस यहाँ पे आ गए डिनर करने के लिए। अब बैंड बज चुकी है, जल्दी से खाना खा के ना रूम पे चलता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ जितनी करनी होंगी, और मिलता हूँ आप लोगों से रूम पे। खाने का भी प्राइसिंग वगैरह सब रूम पे शेयर करता हूँ आप लोगों से। चलो यार, अगर वृंदावन आ रहे हो ना तो न्यू रेस्टोरेंट खुला है बावर्ची रेस्टोरेंट, और सर्विस और खाना दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी यार मेरे को तो, सीरियसली। रेट भी रीजनेबल थे, मैं शाम को आया था समोसे खाए थे हमने यहाँ पे, समोसे अच्छे थे। फिर अभी प्रॉपर खाना खाया, दाल मखनी रोटी वगैरह सब मैंने लास्ट शॉट में दिखाया था आपको, तो वो सारा एरिया था ऊपर जाके। नीचे की सीटिंग ये है, ऊपर भी सेम सीटिंग मिलेगी आप लोगों को ना, और प्रॉपर मेन मेन्यू स्टार्टर वगैरह स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। खाने के रेट भी रीजनेबल है, खाने का टेस्ट भी अच्छा है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आके ट्राई कर सकते हो। बाबरची नाम से है, बाबरची बाय हीरा, ठीक है ये नाम है। एक बार आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, सोहेरा यार ये रेस्टोरेंट है, अभी शायद कुछ टाइम पहले ही खुला है, मेरी बात तो नहीं हुई ओनर से, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब आया था मैंने देखा नहीं था। अभी बिल्कुल न्यू एम्बियंस है, खाने का टेस्ट अच्छा है, खाने के प्राइसेस रीजनेबल है, अगर आते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो प्रेम मंदिर और स्कॉन टेम्पल आप क्रॉस करोगे, स्कॉन टेम्पल के आगे 300-400 मीटर आगे आने के बाद ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा ये रेस्टोरेंट, बाकी आओ और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे होटल पर। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को शॉर्ट्स पसंद आए होंगे प्रेम मंदिर के और स्कॉन टेम्पल के, और जो रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वहाँ का भी। बाकी रूम आप मेरे पीछे ये देख ही रहे होंगे, ये देख लो, आ गए हम इस रूम पे। तकरीबन 10 होटल्स में पता करने के बाद ये रूम हमें मिला जैसे तैसे। सो अब हमें पता चला यार ये इधर इस आश्रम का ना स्टोर रूम है, और यहाँ स्टोर रूम में रोका गया हमें। 500 रुपीज़ पर पर्सन हम दे रहे हैं, टोटल 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, फिर भी मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और सुनने में आया कि हमारे साथ एक बंदा और सोएगा यहाँ पे, मतलब इन्हीं का स्टाफ है कोई आश्रम का, वो भी सोएंगे यहाँ पे। सो ठीक है, इंसान को एटलीस्ट ऐसा नहीं कि हम फ्री में रुक रहे हैं, पैसे दे के रुक रहे हैं, एक प्राइवेसी मिलनी चाहिए। सो मैं इस आश्रम के लिए कोई स्पेशल ऐसे व्लॉग बनाऊंगा नहीं, क्यों मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसे खास नहीं है यहाँ का, यहाँ को लेके। सो मैं यहाँ के लिए कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाऊंगा। कोई होटल वगैरह वैसे मिलता है तो बिल्कुल मैं वहाँ के लिए एक अलग से व्लॉग शूट कर लूँगा, आप लोगों को दिखा दूँगा रखिए। और अगर वीकेंड पे आते हैं ना तो आपको होटल्स वगैरह के जो रेट मिलेंगे मैं बता देता हूँ, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, ऐसे ऐसे रेट आप लोगों को होटल के मिलेंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, अपनी जेब तैयार रख के लाना, और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को तो वीकेंड पे ना ही लाएं क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। बस यही कुछ बातें ध्यान में रखें। खाना वगैरह मैं आपको एक बार कल उस होटल का शॉट, रेस्टोरेंट का शॉट दिखा दूंगा जहाँ पे खाना खाया था। एक बार अगर उनके ओनर मिलते तो उनसे भी बात कर लेंगे, रेस्टोरेंट अच्छा था, खाना वाना काफ़ी अच्छा था उनका, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को बोला था, मैं खुद से ही वहाँ की वीडियो बना रहा था तभी वो आ गए थे। तो बाकी यार अब कल मिलते हैं, मैं ना सो जाता हूँ, मेरे को बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, और अभी कफ सिरप वगैरह पिया है मैंने क्योंकि ना हालत ख़राब हो रखी है, खांसी वांसी हो रखी है यार थोड़ी ना, तो कफ सिरप पी लिया, अब ना सो जाते हैं आराम से, टाइम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा तो इतना कोई ख़ास नहीं हुआ। 10 बज गए हैं रात के, और सुबह हमें तकरीबन 5 बजे तकरीबन निकलना है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सो कोशिश करता हूँ सुबह मिलूँगा आप लोगों से, अगर उजाला हो गया और बांके बिहारी जी के यहाँ पे पॉसिबल हो पाया तो। चलो मिलते हैं आप लोगों से, बनी रहिएगा वीडियो में। हाँ हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। सो यार मॉर्निंग में कितने, सुबह 9:18 का समय हो चुका है, और निकल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम रुके हैं, ये है गोविंदम विहार आश्रम करके, यहाँ पे ही रुके हैं हम, जो मैंने रूम दिखाया था ना कल रात को आपको। सो रूम में तो हम रेडी वगैरह हो रहे थे इसलिए मैंने वहाँ पे शूट करा ही नहीं। सो अब निकल रहे हैं आगे की तरफ, बाकी आगे अब देखते दर्शन कैसे रहते हैं।
ज़्यादा भीड़ तो अब नहीं होनी चाहिए वैसे, बाकी देखो कितनी मिलती है कितनी नहीं। भीड़ देख रहे कि नहीं, तकलीफ होगी नहीं है? नहीं तो नहीं लेंगे। आगे जाके लेफ्ट साइड में आएगा मंदिर यार। भीड़ तो सुबह सुबह ही अच्छी खासी हो रखी है, भयंकर वाली भीड़ है। देखते हैं, पर मज़े ना दर्शन करने के भीड़ में ही आते हैं, धक्का धक्के खाते हुए। मेरी ना नींद अभी तक नहीं खुली यार, थोड़ा सा तो उस चीज़ को इग्नोर करना। मेरे बोलने में भी वो चीज़ पता चल रही है अभी कि मैं अभी भी नींद में ही चल रहा हूँ। और समर्थ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कल बहुत ज़्यादा ही थक गए थे हम लोग। इस्कॉन टेम्पल किया हमने, प्रेम मंदिर किया, बस रश तो इतना ज़्यादा था क्या ही बताएं। तो अगली बार अगर जब भी आप आओगे तो ट्राई करना कि वीकडेज में है, वीकेंड में कभी मत आना भाई, बस इतना ही कहना। वीकेंड में आओ तो अपनी तैयारियों के साथ आना, वीकेंड में आना एक टास्क है बहुत बड़ा, और उसी टास्क को हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं भीड़ में आगे बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ओ माय गॉड, आगे दिखाते हो यार भीड़ ना। कैसे यार, लेट होने का खामियाजा भुगत रहे हैं अब हम, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन ना बहुत ही लंबी है, मंदिर अभी भी यहाँ से कम लगा लो दूरी है सिर्फ बताऊँ तो, क्योंकि अभी यहाँ से लेफ्ट एक गली में जाएंगे, उसके बाद एक कट और लेना है, उसके बाद मंदिर आएगा। और लाइन दिखा दो आपको ना, मेरे आगे पीछे देखना एक बार। खैर, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने का ना यही एक मज़ा है यार, भीड़ में धक्के खाते हुए दर्शन करो, अलग ही मज़ा आता है। तो चल रहे हैं आगे, दर्शन करते हैं और जो जो दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा बिल्कुल भी। भाई अगर हिम्मत रखते हो ना इतनी भीड़ में दर्शन करने के तो ही आना, संडे के दिन की भीड़ आप देख ही रहे हो, मैं लगातार दिखा रहा हूँ, अच्छी खासी भीड़ है। और अच्छा ये रहेगा कि आप अपने जूते चप्पल अपने होटल पे छोड़ के आए ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी भी सेफ्टी आपको मिलेगी नहीं जूते चप्पल की। एक फ्री सेवा केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमने भी अपने जूते चप्पल वहीं रखे हैं, अब देखते हैं वापस जाके मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बाकी यार, बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए, उससे बड़ी क्या बात है यार, जूते चप्पल चले जाएँ चले जाएँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, आपको भी वहीं पहुंचना है, वहीं हमें जाना है, और एक साथ ही पहुंचेंगे, या तो उनकी इच्छा नहीं होगी नहीं पहुंच पाएंगे। अब लाइन में आ चुके हैं, आगे एक लाइन चेंज हुई है, अब एक दूसरी लाइन बनी है, वहाँ पे आ चुके हैं, हम यहीं से चल रहे दर्शन के लिए, देखते कैसे दर्शन होते हैं। यार वीकेंड की भीड़ देख रहे हो ना, सीरियसली बहुत बड़ा टास्क है इतनी भीड़ में दर्शन करने का, लेकिन सभी को जल्दी है बाके बिहारी जी से मिलने की। और देखो मेरे आगे पीछे भीड़ देखो, संडे की देख रहे हो, सभी
सभी के मुंह पे एक ही नाम है, राधे राधे, शाम मिला दे राधे राधे। सोहर हम भी इसी भीड़ में चल रहे हैं आगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बस उम्मीद है दर्शन अच्छे से हो जाए। इतनी भीड़ में ऐसे धक्का मुक्की बहुत हो रही है, लेकिन यार मजा भी ऐसे दर्शन करने में ही आता है।